अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति, और अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति ने एक बात कही और वही बात मैं एज इट इज आपके सामने रखने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप अपने आप पर विश्वास करो, अगर आप ये विश्वास कर सकते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं तो समझ लीजिए आधा काम कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस बात पर विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूं तो इसका मतलब 50% काम कंप्लीट हो गया, अब तो केवल जरूरत है आपको आगे बढ़ने की। ध्यान से पढ़िएगा कि विश्वास करो कि आप ये कर सकते हैं तो आपका आधा काम हो जाएगा। इसीलिए आपको विश्वास रखना होगा कि यस आई कैन डू दिस, हाँ मैं ये काम कर सकता हूं। हमारे देश में एक बहुत बड़े प्रेरक हुए स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, वो बहुत सारी चीज़ों को विजुलाइज करते थे, बहुत सारी चीज़ों को भविष्य के बारे में जानते थे, वो वर्तमान के बारे में जानते थे और बहुत सारे अच्छे गुणों को समझकर लोगों में बांटने के ज्ञान को जानते थे। मतलब उनको ये पता था कि ज्ञान क्या चीज़ है। आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद जी भी बचपन से ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए थे, जैसे गौतम बुद्ध जी निकले थे। तो स्वामी विवेकानंद जी जब ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे तो कई लोगों ने सोचा कि अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की, सीधा स्वामी विवेकानंद जी के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि विवेकानंद जी हम ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं और आप हमें उस ज्ञान के बारे में बताएं। क्योंकि सबसे आसान होता है कि जो व्यक्ति जो चीज़ अचीव कर सकता है या कर चुका है सीधा उससे आके कम्युनिकेट कर लो। मतलब अगर सक्सेस होना है तो सक्सेसफुल पीपल के साथ चले जाना शुरू कर दो। तो ठीक ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास आया और उसने कहा कि विवेकानंद जी मैं ज्ञान के माध्यम से सफलता की खोज करना चाहता हूँ, मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, सफल होना चाहता हूँ। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई मैं तो बचपन से यही काम कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी भी पूरा ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं हुआ और मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि गुरु जी जितना ज्ञान मिल गया उतना ही दे दो, मैं तो उससे ही सफल हो जाऊँगा, क्योंकि आप तो विश्वव्यापी हैं, आप तो पूरे विश्व में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, ज़्यादा सफल हैं, तो मैं तो इतना ही सफल हो जाऊंगा तो भी मेरा काम बन जाएगा। तो गुरुजी ने कहा था चलो मेरे साथ। तो गुरुजी टहलते 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 अपने साथ ले गए और झील के किनारे उस व्यक्ति को ले गए, और झील के किनारे ले जाने के बाद उन्होंने कहा आप बैठो झील के किनारे और झील में झांको। उसने कहा उससे क्या होगा, कह रहे झांको तो सही। जैसे ही वो व्यक्ति घुटनों पर बैठा और पानी में झांकने लगा, गुरुजी ने उसकी गर्दन पकड़ी और पानी में डुबा दी और डुबाए रखी कसके। तो वो आदमी एकदम पानी में अगर गर्दन जाएगी तो क्या होगा, छटपटाने लगा, उसको ऐसा लगने लगा मैं डूब जाऊंगा या मर जाऊंगा। और उस समय वो छटपटाने लगा, गुरुजी ने देखा अब ये बहुत ज़रा छटपटा रहा है तो उसकी गर्दन पकड़ के बाहर निकाला। तो वो व्यक्ति गुस्से में आया कि मैंने आपसे ज्ञान की प्राप्ति के बारे में बात की, मैंने आपसे सफलता के बारे में बात की और आपने मुझे पानी में डुबो दिया। अगर थोड़ी देर भी प्लस माइनस हो जाता तो मैं तो मर जाता, मेरे प्राण निकल जाते, आपने ऐसा क्यों किया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसको स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा मुझे एक सवाल का जवाब दो, जिस समय मैंने आपकी गर्दन को पकड़ के पानी में डुबा दिया था, जिस समय आप ठीक मरने वाले थे, उस समय आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत थी। हवा की, ऑक्सीजन की, कि जैसी बाहर आएगा मैं सांस लूँगा। तो गुरुजी ने कहा जिस समय आपको ऐसा लग रहा था कि अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं उस समय आपको ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जीवन में जिस समय आपको ऐसा लगने लग जाए कि अब मुझे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो समझ लीजिए उस हवा की वैल्यू आपको पता है। ठीक उस तरह से ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपके मन में ऐसा विचार आ जाए कि अब इसके आगे कुछ और नहीं हो सकता, अब तो मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मतलब इतनी लालसा पड़ जाए जिस समय मरते समय आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, अगर इतनी ज़रूरत जिस दिन आपको ज्ञान की महसूस होगी उस दिन आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान कहीं नहीं बढ़ रहा है, ज्ञान केवल आपको एक्वायर करना पड़ेगा, ज्ञान को अर्जित करना पड़ेगा, ज्ञान को समझना पड़ेगा। ज्ञान को समझने के बाद जब आप उस पर निरंतर काम करेंगे तभी आपको सफलता मिलने वाली है। इसका मतलब क्लासेस में हम कितना भी बता दें, कितना भी समझा दें, कितना भी कोऑर्डिनेट कर दें, कितना भी आपको ट्रांसफ़र कर दें डेटा, जब तक आपकी वो चाहत ऑक्सीजन के उस लम्हे के बराबर नहीं होगी जो पानी में डूबते आदमी को होती है, जब तक आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और जब तक प्रैक्टिकली आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तब तक आप दूसरे व्यक्ति को भी किसी भी चीज़ को लेकर कन्विंस नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब वो व्यक्ति पानी में जो डूब रहा है उसको जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर आपको उसका एहसास हो जाए कि इस व्यक्ति को कितनी ऑक्सीजन चाहिए और वो फीलिंग आपके अंदर भी हो कि अगर मैं डूब रहा होता तो मुझे भी इतनी ऑक्सीजन चाहिए होती,
तो आपको पता लगेगा कि उसका और आपका लेवल समान है। तब जब आप उसको सॉल्यूशन देंगे तो वो व्यक्ति आपकी बात पर वैसे ही विश्वास करेगा जैसा जवाब वो आपसे सुनना चाहता है। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके मन में ऐसी चाहत होनी चाहिए कि मुझे इस लेवल पर ज्ञान का अर्जन करना है, इस लेवल पर उस योग्यता को हासिल करना है जहां मैं लोगों को कम्युनिकेट कर पाऊं, मैं लोगों को समझा पाऊं, मैं लोगों को कन्विंस कर पाऊं और मैं लोगों को अपने द्वारा बताए गए पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार कर पाऊं। ये है मेरा नया दोस्त जो मुझे लेटेस्ट ज्वेलरीज की शॉपिंग करवाता है, और मेरा ही नहीं हम सबका नया दोस्त माय आभूषण ऐप। अब आपके विश्वसनीय ज्वेलर आपके मोबाइल में प्योरिटी की श्योरिटी विद बेस्ट प्राइसेस एंड बेस्ट ऑफर्स। अभी डाउनलोड करें ऐप माय आभूषण।